जी स्टूडेंट, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन जो है इंटरप्ट हो गया था, एकदम ही लाइट चली गई। यूपीएस ऑन नहीं किया था मैंने, दैट्स व्हाई। तो दोबारा मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं जी आपको। जी आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग एन अरेंजमेंट बाय विच वन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स अ सर्विस और सर्विसेज फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट चूजेस नॉट टू परफॉर्म देम इन हाउस। मीन्स दैट के यू हैव टू प्रोवाइड सर्विसेज और यू मे बी इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर अनदर ऑर्गेनाइजेशन। आप जिसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, बट दे शुड नॉट बी परफॉर्म इन द हाउस, ये आउटसोर्सिंग। तो इसके बाद जी मैंने आपको बताया जी इन सोर्सिंग क्या है। कॉमन अप्रोच यूजिंग द प्रोफेशनल एक्सपर्टीज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप एंड मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। हाँ जी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का आईटी सिस्टम आपने डेवलप करना है, आपने हेल्प लेनी, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को यूज करना है, ठीक है, और इन चीजों को आपने सोर्स करवाना है, इन हाउस डेवलपमेंट करवानी है। इन सोर्स का मतलब होता है आप करवा रहे हैं। आउटसोर्सिंग के मैंने आपको परसेंटेज बता रहा था, ठीक है। देखें 60% पे आपका आईटी जा रहा है, एचआर है, फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, मार्केटिंग सेल्स नॉट डिपार्टमेंट्स और अदर डिपार्टमेंट। तो बाद मैं आपको बता रहा था जी ये रीजंस टू रिड्यूस हेड काउंट एंड रिलेटेड रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये कितना परसेंटेज आपका जा रहा है? देखें 55% पे जा रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज द मेन रीजन दैट यू आर गोइंग टू आउटसोर्स, ठीक है। एंड एलिमिनेट द नीड टू री इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। इसकी परसेंटेज भी देखें 50 से क्रॉस कर गए। एंड रिड्यूस कॉस्ट बाय 40% एंड बेटर मैनेज द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रोसेसेस अप्रोक्सीमेटली 34 to 35 चली जाती है। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू आउटसोर्स। आउटसोर्सिंग फैक्टर्स ड्राइविंग आउटसोर्सिंग ग्रोथ, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं जी? आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, व्हाट आर योर कोर कॉम्पिटेंसीज? कैन एनीवन प्लीज बता सकते हैं मुझे कोई? जी हेलो, आप लोग मुझे सुन रहे हैं जी कनेक्शन लॉस होने के बाद? हेलो, जी कोर कॉम्पिटेंसी आपकी आ जाएंगी। इसके बाद है जी आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स, आपकी रैपिड ग्रोथ, आपकी इंडस्ट्री चेंजेस और आपका इंटरनेट एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स हैं दैट ड्राइव योर आउटसोर्सिंग, ठीक है जी। इसके बाद है मेरे पास जी द आउटसोर्सिंग फिनोमेना क्या है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च फ्रॉम आईडीसी द वर्ल्ड वाइड आईटी सोर्सिंग मार्केट विल रीच 230 बिलियन डॉलर्स बाय 2009। ये इसका उस वक्त की रेशियो बता रहा हूँ मैं। और अब देखें ये अप्रोक्सीमेटली 420 बल्कि 25 डॉलर्स को क्रॉस कर चुकी है, बिलियन डॉलर्स को। अकॉर्डिंग टू द प्राइस वाटर हाउस कूपर्स बिजनेस दैट आउटसोर्स आर ग्रोइंग फास्टर लार्जर एंड मोर प्रॉफिटेबल देन दोस दैट डू नॉट आउटसोर्स नहीं करते, उसके मुकाबले में उनकी जो ग्रोथ है प्रॉफिट की वो कम होती है, प्रॉफिटेबल रेशियो उनकी बढ़ती नहीं है जी। द आउटसोर्सिंग फिनोमिना मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स देयर नॉन कोर बिजनेस फंक्शन सच एज पेरोल एंड आईटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट द बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री, चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोसेसिंग, क्रेडिट रिपोर्ट इश्यूएंस, डेलिंक्वेंसी मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज एंड ट्रेड्स प्रोसेसिंग, ये आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं बैंकिंग और फाइनेंस के हवाले से। अगर आप बात करें इंश्योरेंस की, दैट कैन क्लेम्स रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन, चेक प्रोसेसिंग एंड रिस्क असेसमेंट, ये आउटसोर्स होंगी। टेलीकम्युनिकेशन में क्या आपकी इनवॉइस एंड बिल प्रोडक्शन, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर में आपका ईडीपी और ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट एंड अकाउंट, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से आपकी टिकटिंग एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग, गवर्नमेंट के हवाले से आपकी लोन प्रोसेसिंग एंड मेडिकेट प्रोसेसिंग होती है, और रिटेल में आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोसेसिंग ईपीपी भी जो उसको कहते हैं आप। तो ये आपका फिनोमेना आउटसोर्सिंग में आती है, टेलीकॉम, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नमेंट और रिटेल के हवाले से जी। बेनिफिट्स क्वालिटी एंड एफिशिएंसी से बढ़ेगी आपकी, डेफिनेटली एफिशिएंसी। देखें जब आप चीज, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर ही लिया, आउटसोर्स कर ही दिया, जब आपके
एचआर में आप डिफरेंट सोर्सेज आपके आउटसोर्स हो गए, तो इट मींस यू हैव टू मेंटेन योर प्रोडक्ट एफिशिएंसी, ठीक है। जब एफिशिएंसी को आप देखेंगे तो डेफिनेटली क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, रीजन कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, फंक्शन वो आपको दे रही है, ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट को आउटसोर्स कर रही है। आउटसोर्सिंग नॉन कोर प्रोसेसेस अलाउ फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसीज, नॉन कोर प्रोसेसेस से आपकी कोर प्रोसेसेस भी कॉम्पिटेंसीज में आ जाएंगे, आपका रिस्क एक्सपोजर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी पे आप एक्सेस हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये कोई 7-8 आप एडवांटेजेस को देख लीजिएगा, मजीद इस पे मजीद वो नहीं मैं रोशनी डालना चाहता, ठीक है जी। ऑप्शंस हैं जी आउटसोर्सिंग के आपके पास नियरली 3 हैं जो जनरल कैटेगरीज में आते हैं, आपके ऑन शोर, नियर शोर और ऑफ शोर। ऑफ शोर का जी बड़ा रोला चला था पाकिस्तान में ऑफ शोर कंपनीज का और विकीलीक्स के हवाले से, तो पहले मैं ऑनशोर की बात करता हूँ जी। ऑनशोर आउटसोर्सिंग क्या है? इट एंगेजेस अनदर कंपनी विद द सेम कंट्री और सर्विस। जब आप सेम प्रैक्टिस कंट्री की बात करते हैं, इट मींस यू आर ऑनशोर आउटसोर्सिंग, उस फिनॉम्स कैटेगरी में आते हैं। एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी इन अ नियर बाई कंट्री, जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान का कॉन्ट्रैक्ट जी जो है आपका इंडिया के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान के साथ, तो ये आपका नियर शोर आउटसोर्सिंग हो जाएगी। और ऑफशोर में क्या होता है, यूजिंग ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू राइट कोड एंड डेवलप सिस्टम, डेवलपिंग कंट्रीज आप जा रहे हैं ऑफ द शोर, सो ये ऑफशोर हो जाएगी आपकी, ठीक है जी। तो ये 3 जनरल कैटेगरीज हैं जो आपकी आउटसोर्सिंग, इसका थोड़ा सा आप देख लेंगे इनडायरेक्ट और लोकेशन ऑफ आउटसोर्सिंग, ये क्लोज आपका और ये रिमोट, ठीक है, ये डायरेक्ट है आपका और ये इनडायरेक्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं, ये ऑनशोर से यू आर मूविंग टूवर्ड्स ऑफशोर। ये आपका कस्टमर कंट्रोल है जो देखें इंडायरेक्ट होता जा रहा है, जैसे से आप ऑनशोर से नियर शोर पे, नियर शोर से ऑफशोर जा रहे हैं, क्लोज से आप कहाँ पे तरफ मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग टुवर्ड्स द रिमोट, रिमोट मोर रिमोट जी। बिग सेलिंग पॉइंट फॉर ऑफशोर आउटसोर्सिंग इन एक्सपेंसिव गुड वर्क, ये आप देखें आउटसोर्सिंग ऑप्शंस आपके चाइना, सैलरी रेंज पर ईयर इसमें आप देखें ऑफशोर से जो इनको मिलता है दैट इज $5,000 टू $9,000, इंडिया आप 6,000 से 10,000 आपकी जाती है, फिलीपींस, रशिया, आयरलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, तो दीज आर दी आउटसोर्सिंग ऑप्शन है जो आपको आप यूज कर सकते हैं जी। 3 कैटेगरीज ऑफ आउटसोर्सिंग कंट्रीज आपके जो है ना कैटेगरीज हैं आउटसोर्सिंग के लिए कैटेगराइज कर दिया गया है, वो क्या है इसको जरा आप गौर से देखिएगा, ये आपको एक मैप नजर आ रहा है जी। 3 कैटेगरीज हैं इसमें, लीडर, अप एंड कम एंड कमर्स एंड रूकीज। रूकीज आपके जो हैं ये जर्दे कलर से हैं, ठीक है, ये जिंक, अप एंड कमर्स और लीडर्स आपके इस कलर्स में आते हैं आपके, एंड आप ये मैरून टाइप मिलता जुलता, ठीक है जी, लीडर्स आपके ही हैं कलर्स में, राइट, तो देख लीजिएगा ये आपके वर्ल्ड मैप के अंदर जो आउटसोर्सिंग में आती हैं, जो लीडर्स कंट्रीज हैं ये आपकी, आप एंड कमर्स ये हैं और आपके रूकीज ये हैं। चैलेंजेस ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट लेंथ, ये बड़ी डिफिकल्ट होती है, इसमें चैलेंज होता है, डिफिकल्टीज इन गेटिंग आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉब्लम्स इन फोरसीइंग फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर नीड्स आपको उसको फोरसी करना है, डिफिकल्ट टास्क हो जाता है आउटसोर्स में, प्रॉब्लम्स इन रिफॉर्मिंग एन इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट, डेफिनेटली इफ यू आर गोइंग टू मैं कह लेंगे फॉर एग्जाम्पल आईटी का एक डिपार्टमेंट या उसका भी सब डिपार्टमेंट उसको आपने रिफॉर्म करना है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक अप्रोच, ठीक है, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड या आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेटिव एज आपका, ये भी बड़ा बड़ा चैलेंज है। कॉन्फिडेंशियलिटी, ये भी इशू आता है कॉन्फिडेंशियलिटी के हवाले से, कब सारी चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। स्कोप डेफिनेशन, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, इसमें भी प्रॉब्लम जी। फ्यूचर ऑफ आउटसोर्सिंग ट्रेंड्स क्या हैं? Outsourcing is becoming less of a cost saving strategy बनती जा रही है and more an overall context for business। ये मैं आपको बता दूँ, वाकई जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना वो आउटसोर्स की तरफ आ गई हैं, आपकी जो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज आपके, ठीक है, अब आप देखना वो भी आ जाएंगे इस चीज़ की तरफ, आउटसोर्स की तरफ। कंपनीज शुड लुक फॉर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रादर देन द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, बिल्कुल। मल्टी सोर्सिंग क्या है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज, मिशन क्रिटिकल सपोर्ट, रिमोट मैनेजमेंट,
एंड होस्टिंग सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड टू कस्टमर्स. इसको हम कहते हैं मल्टी सोर्सिंग करना. क्यों? Because it is a combination of your different types of professional services, critical support, और आपकी remote management. ये combined चीजें efforts हैं. So that is why we are called it the multi-sourcing approach. ठीक है जी, ये कुछ feature trends थे. ये चीजें मैंने आपके साथ discuss करनी थी, क्योंकि कुछ हजरात का 3 बजे lecture भी हैं, तो उसको मैं जो ना refresh भी कर दिया मैंने आपको. ठीक है जी, उसको देख लीजिएगा, इसमें कोई difficulty नहीं है. किसी का question है तो please hand raise कर लें, फिर तो आप जो जिन्होंने अपना लेक्चर लेना है वो आगे मजीद लेक्चर ले लें जी. एनीवन, 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ या 1 मिनट बता दें मुझे, या फिर मैं सेशन ऑफ कर दूं. अनम्यूट करके बता दें. नो सर, थैंक यू. आदिल, कोई मुश्किल तो नहीं थी ना? कोई चीजें आसान ही थी. जी जी सर. ठीक है, तो ये मैं भेज भी दूंगा. जी सर. ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग लेक्चर लें. ठीक है, टेक केयर. ओके सर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.